सब्सक्राइब कीजिए गोल अचीवर्स यूट्यूब चैनल को आपकी भर्ती की नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए और उसके साथ साथ फिजिकल के वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की जो ओपन रैली कंडक्ट होने वाली है उसके बारे में। दोस्तों, यदि आप इंडियन एयरफोर्स की ओपन रैली देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों, यदि आपकी जो डिस्ट्रिक्स और स्टेट्स यदि मैच नहीं कर पाती तो आप वेट कीजिएगा, जैसे ही आपकी कोई भर्ती निकलेगी तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियोज़ डालकर। और काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि भाई आप गलत इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हो, क्या सच में ऐसी रैली कंडक्ट होती है? तो भाई देखो, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूं। सच में यदि आपको ऐसा डाउट लगता है कि आप भाई गलत इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाके पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि सच में भाई भर्ती निकली है या नहीं निकली है, तो सारे डाउट्स आप सभी के वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो एक और बात मैं आप सभी के साथ में एश्योरिटी के साथ कह दूँ, यदि आपको किसी भी मेरे वीडियोज़ में यदि आपको ऐसा लगा कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो भाई आप कमेंट कर दीजिएगा, उसी दिन मैं मेरा चैनल डिलीट मार दूंगा, यह मैं वादा करता हूँ आप सभी को। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स की ओपन रैली के बारे में। दोस्तों, यदि आपकी डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स मैच नहीं होती तो जैसे ही यदि नहीं होती तो जो अभी आप जब भी आपकी भर्ती निकलेगी, मीन जब भी आने वाले कुछ दिनों में जैसी भर्ती आपकी निकलेगी तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है, जैसे ही आपकी भर्ती निकलेगी तो हम डायरेक्टली आप सभी को बता देंगे और यह भर्ती 100% रियल है। तो फर्स्ट हम आपको बता दें कि भर्ती कहाँ होने वाली है। फोर्थ एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, बर्कपुर, वेस्ट बंगाल में यह रैली होने वाली है। तो डेट्स के बारे में हम एक बार डिटेल्स में देख लें, डेट्स के बारे में जान लेते हैं। जो डेट्स यहाँ पर बताई गई है 25 सितंबर से लेकर जो 30 सितंबर तक ये रैली चलने वाली है। जो ऑटो टेक्नीशियन की जो पोस्ट होती है और आईएएफ पुलिस की जो पोस्ट है, मींस यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आपका फिजिकल और रिटन एप्टीबिलिटी टेस्ट 1 और 2 होगा। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया है। जो आप डेट देख पा रहे हैं 25 से लेकर 26, 27 और 27 तारीख रिजर्व की गई है। और यहाँ पर आप देख ले किस डेट को आपको जाना है, रिजर्व डेट को आपको नहीं नोट करना, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वेस्ट मिनपुर। मेरे जो आपको डिस्ट्रिक्ट्स में बोल रहा हूँ थोड़ी सी प्रोनाउंसेशन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा और आप मैं जो बोल रहा हूँ एक बार थोड़ा सा आप कॉन्सनट्रेट करें और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 24 पैरानास, कोलकाता, बनकुरा, नाइडा, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो डिस्ट्रिक्स यहाँ पे मेंशन की गई है आप एक बार रीड आउट कर लें। स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जो ये भी डिस्ट्रिक्स जो बताई गई है वेस्ट बंगाल की, जो आपकी रैली है इन सभी जो डिस्ट्रिक्स की जो रैली होगी 25 से लेके 26 तारीख तक। यहाँ पे मीन्स 25 का आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी जो भर्ती है वो आपकी होगी 28 तारीख से, वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट वालों के कैंडिडेट्स की होगी। जैसे कि हम बात करते हैं ऑटोटेक और पुलिस की जो वैकेंसीज है इंडियन एयरफोर्स के, सेम ही प्रोसेस होगा। और यहाँ पर क्या दिया है, अलग अलग दिया है, 24 पैरानास नॉर्थ दिया है यहाँ पर है, और यहाँ पे मलाड दिया गया है, कोच, बिहार, जो वेस्ट बंगाल की जो सारे डिस्ट्रिक्स कवर कर रही है, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्स ऑफ सिक्किम की जो सारे डिस्ट्रिक्स कवर कर रही है, ये बात भी आप नोट डाउन कर लें। तो आप यदि आप सिक्किम से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो भर्ती है वह 28 तारीख से होगी। मीन्स आपको 28 तारीख को वहाँ पर जाना है, 6 बजे गेट ओपन हो जाएगा और आपको जो पूरा जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है वो आपकी हो जाएगी कंप्लीट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स है आप सभी के वो लेके जाना है, और 10th और 12th की पासिंग सर्टिफिकेट्स आप सभी को लेके जानी है, और इसके अलावा आपको कुछ फोटोज़ कवर करनी है, फोटोज़ आप सभी को लेके जानी है। बस ये कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स थे जो आप सभी समझ गए होंगे। तो उसके बाद में हम बात करें एज कितनी लगेगी इस भर्ती के लिए। जो एज जो मांगी गई है आप सभी की 14 जुलाई 1998 से लेकर 26 जून 2002 तक इसकी एज मांगी गई है। क्वालिफिकेशंस की बात करें, यदि आपने आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स ले रखा है और आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स हैं और जो टोटल ओवरऑल जो परसेंटेज है 50% है, तो आप इस भर्ती के लिए जा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें फर्स्ट आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस जो क्राइटेरिया होता है वह दिया गया है, फर्स्ट आपका फिजिकल, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 और उसके बाद 2, ये था इसके प्रोसेस। और बात करें फिजिकल में, तो फिजिकल जो सेम ही फिजिकल होने वाला है जो आप सभी को पहले से बताया जा रहा है, जैसे कि 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है, आपको जो समय दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड्स आप सभी को दिए जाएंगे, और उसके बाद तो जो नॉर्मल से है 10 पुलअप
पुलअप्स आप सभी को मारने हैं, सिटअप्स मारने हैं, स्क्वाट्स मारने हैं। तो ये जैसे ही आप कंप्लीट कर पाओगे और अपने साथ आप स्पोर्ट्स शूज़ लेके जाइएगा। और दोस्तों ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी, और यदि आपको पूरा विस्तार से जानना है इस भर्ती के बारे में तो इसकी जो PDF है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और हाइट के बारे में पहले आप बता दें हम आपको, जो ऑटो टेक की जो पोस्ट है, टेक्नीशियन की जो पोस्ट होती है ऑटो टेक्नीशियन, उसकी जो हाइट दी गई है आपको 165 सेंटीमीटर आपको हाइट दी गई है। यदि आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से आपकी, यदि आपकी डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी एरिया में आती है तो आपकी जो हाइट दी गई है 162.5 सेंटीमीटर आपको हाइट दी गई है। और इंडियन एयरफोर्स पुलिस के बारे में बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, 175 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो बेहतर है कि यदि आपकी हाइट कम है तो टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो उसके बाद में जो दोस्तों सारी डिटेल्स हमने वैसे कवर कर ली हैं, और एक बार आप पूरा PDF रीड आउट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।